गुड इवनिंग एवरीवन. सो टुडे इज द टर्न ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज कालोपाली. वी डू नॉट हैव ऑथर ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इट्स अ फोक स्टोरी. ऑल राइट, फोक स्टोरी मीन्स लोक कहानी जिसको बोलते हैं. यू मस्ट हैव रेड दिस टर्म इन हिंदी और पंजाबी ऑल्सो. आपने हिंदी और पंजाबी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, लोक कहानी किसे बोलते हैं. ऑल राइट, सो स्टोरी स्टार्ट्स विद ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड सन. दे वर लिविंग इन वेरी कोल्ड एरिया. And you know, this story is about Eskimo people. Eskimo, those who live in very cold area, and Native of American people. So they were living together, and they were very poor. They do not have enough money to have food even. So people from neighborhood, they used to give them food. They used to provide them some stuff which was useful for them. तो जो नेबर के लोग थे वो आते थे उनको खाना देने के लिए या कुछ ज़रूरत की चीज़ें देने के लिए, क्योंकि वो बहुत पुअर थे. सो वन डे हर ग्रैंडसन वाज क्राइंग अ लॉट फॉर फूड, बट शी वाज नथिंग टू गिव हिम. अब वो खाने के लिए बोल रहा था, उसके पास खाना नहीं था देने के लिए. सो शी इन अ फिट ऑफ एंगर शी कॉल्ड अ मॉन्स्टर. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ मॉन्स्टर? कालोपाले. तो उसका नेम क्या था? कालोपाले. अब वो मॉन्स्टर को बुलाती है, मॉन्स्टर आ जाता है. एंड व्हाट शी told the monster that you take away my grandson with you. इसको अपने साथ ले जाओ. He is a stubborn child, बहुत जिद्दी बच्चा है. I don't want to live with him, कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती. That so कालोपालिंग takes away the baby. See the description of कालोपालिंग. He looks like a man, but his head is of a different kind of. He does not have a head of a man actually. His feet are very large. And his belly is white, of white color, and his back is of black color, and he has a very different kind of spot on his whole body, and he is wearing a jacket which has a hood in which he keeps the child. Not only child, but whenever he sees that somebody is drowning in the sea, koi samundar mein doob raha hai, to he used to keep their body inside his hood, apni hood mein rakh leta tha. तो नेक्स्ट व्हाट हैपन्स? नाउ ग्रैंड मदर इज लेफ्ट ऑल अलोन. नाउ शी रिपेंट्स व्हाई आई सेंड माई ग्रैंड सन टू अलोंग विद कालोपाली. मैंने इसको क्यों भेजा? बिकॉज दैट डे वन नेबर गेव हर अ लॉट ऑफ मीट टू ईट. बहुत सारा मीट उसको खाने के लिए देता है. नाउ शी इज रिपेंटिंग दैट आई हैव सो मैनी थिंग्स टू ईट, बट नाउ माई ग्रैंड सन इज नॉट विद मी. अब मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, वो चला गया है. अब वो पछताती है बहुत ज़्यादा. तो वन डे क्या होता है दैट हंटर एंड हिज वाइफ दे डिसाइडेड दैट दे विल ब्रिंग द ग्रैंडसन बैक, कि वो उसके बच्चे को लेकर आएंगे वापस. दे ट्राइड अ लॉट, वो बहुत ट्राई करते हैं बट फेल्ड एवरी टाइम. हमेशा फेल हो जाते हैं बिकॉज ही वॉज अ मॉन्स्टर ना. इट वॉज नॉट ईजी टू विन ओवर हिम. बट क्या होता है कि कालोपालिंग क्या करता था, ही यूज टू टाई द बॉय अलोंग विद हिज बेली. अपनी बेली के साथ ना एक रोप थी, उसको उसके साथ बांध के रखता था सो दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम हिम. बट बहुत ही ज़्यादा चलाकी से क्लेवरली दैट हंटर एंड हिज वाइफ क्या करते हैं, दे कट द रोप एंड ट्राई टू टेक द बेबी अवे. बट ग्रैंड सन डिनाइड, वो मना कर देता है डैट आई विल नॉट गो विद यू बिकॉज माई ग्रैंड मदर डजेंट लव मी. शी हैज़ गिवन मी टू दैट कालोपालिंग. उसने तो मुझे कालोपालिंग को दिया है, तो आई विल नॉट गो विद माई ग्रैंड मदर. मैं अब अपनी ग्रैंड मदर के पास नहीं जाऊँगा बिकॉज शी डजेंट लव मी, शी हेट्स मी. मोर ओवर ही वॉज इंजॉइंग द कंपनी ऑफ कालोपालिंग. वो कालोपालिंग के साथ इंजॉय कर रहा था. ही यूज टू प्ले विद हिम एंड दे यूज टू enjoy the company of each other. तो उन्हें एक दूसरे की company enjoy करते थे. So along with this, see this picture, now he is enjoying and see that picture, he was crying but now he is okay with Kalapani. So with this story ends. Thank you so much and have a nice day.